Good morning, students. Welcome to your computer class. So today we will study about Windows 7, which is your second chapter. So सबसे पहले जानते हैं Windows 7 क्या होती है. उससे पहले हमने ये पढ़ा है कंप्यूटर जो है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. एक कंप्यूटर मशीन है जिसमें होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अभी जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं. वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस यूज हुआ होता था, देन विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आपका कंप्यूटर वर्क करता है. हम आज पढ़ेंगे विंडोज 7 के बारे में. विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. माइक्रोसॉफ्ट इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है. सो उसने डेवलप किया था विंडोज 7 in 2009 for home use and for business purpose. Home use के लिए and business के लिए Windows 7 डेवलप की गई थी. कौन सी ईयर थी? 2009. सबसे पहले इन्होंने Windows 98 भी बनाई थी, Windows XP बनाई थी, then फिर डेवलप हुआ Windows Vista पे, फिर उसको और डेवलप करा Windows 7, फिर Windows 8, फिर Windows 8.1, then Windows 10. अभी की लेटेस्ट विंडोज 10 चल रही है, लेकिन हमें पढ़ना है आज विंडोज 7 के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सो विंडोज 7 के फीचर्स क्या क्या है? विंडोज 7 के जो बेसिक फीचर्स है ये एक है फास्ट. सो सबसे पहले फीचर्स ऑफ विंडोज 7. सबसे पहले एक जो इसकी बहुत अच्छा फीचर है वो है ये फास्ट है. विंडोज 7 फास्ट है. इट्स फास्ट, कलरफुल डिस्प्ले, फास्ट है, कलरफुल डिस्प्ले, यानी इसमें डिस्प्ले जो है कलरफुल है, डिफरेंट थीम्स है, एंड इसमें जो सर्च इंजन है वो थोड़ा इम्प्रूव किया गया है. सर्च टूल जो इसके डिफरेंट सर्च टूल है वो इम्प्रूव किए गए हैं, एंड इसमें यूजर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सेम टाइम पे यूज किए जा सकते हैं. So it has improved its search. Search tool is improved and user can operate different application at same time. So applications इसमें ज़्यादा से ज़्यादा use कर सकते हो और वो भी same time के ऊपर, और आपको बहुत ज़्यादा access मिलते हैं. Then Windows 7 के लिए features थे. Windows 7 रिलीज कब हुई है? Windows 7 रिलीज हुई है 2009 में. किस यूज के लिए? होम यूज एंड बिजनेस के लिए. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब विंडोज 7 जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, विंडोज 7 स्टार्ट हो गई, सो आपका यानी कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया. अब उसमें आपको क्या मिलेगा कंप्यूटर? सो जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है इस तरीके से आपकी मॉनिटर है. मॉनिटर जो कि एक है आपका आउटपुट डिवाइस. जैसे ही आपकी विंडो स्टार्ट होती है आपको यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्रीन है. फॉर एग्जांपल इट्स अ कंप्लीट स्क्रीन. सो आपको जो विंडोज का बटन मिलेगा ये यहाँ पे एक विंडोज का बटन मिलेगा, देन यहाँ पे सर्टेन आइकन्स होते हैं, देन यहाँ पर एक एरिया होता है, यहाँ पे डेट टाइम लिखा होता है, डेट एंड टाइम, एंड सर्टेन यहाँ पे कुछ पिक्चर्स होते हैं इस तरीके से. सो ये फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन है, यानी कि आपका मॉनिटर है. इसमें इस कंप्लीट सेटअप को डेस्कटॉप कहा जाता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहले ये जो चीज़ है नीचे
लोअर, इट इज नोन एज टास्कबार। ये जो ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज आइकन्स। ये जो आपके पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर्स है उन्हें कहा जाता है आइकन्स, एंड जो नीचे है इसे कहा जाता है टास्क बार। सो इसके जो डिफरेंट आइकन्स हैं वो होते हैं माई कंप्यूटर, देन कंट्रोल पैनल, माई नेटवर्क एरिया, ये सब, और जो आपके फाइल्स वगैरह होते हैं वो सब आपको डेस्कटॉप पे मिलते हैं। ये आपका होता है टास्क बार। टास्क बार में जो ये पहला बटन है इट इज नोन एज स्टार्ट बटन। ये जो बीच में होते हैं ये आपके मिडिल सेक्शन है, दिस इज योर मिडिल सेक्शन जहां पे आपकी जो फाइल्स ओपन होती है वो दिखाई जाती है मिडिल सेक्शन में। जैसे ही आपको एक फोल्डर आपने ओपन करा सो वो कहाँ दिखाई जाएगा, यहाँ पर मिडिल सेक्शन में। देन ये जो थर्ड ये पार्ट है दिस इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया, इट इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया। ये तो थे आपके कंप्यूटर के बेसिक्स, जो कि टास्क बार क्या है, डेस्कटॉप क्या है, ये सब। नाउ नेक्स्ट आपको चेंज करना है इसका बैकग्राउंड। इसके ऊपर जैसे कि ये विंडोज 7 है इस पर आप डिफरेंट थीम्स मिलती है, सो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। सो हमारा जो माउस है उस पर दो क्लिक होती है, फर्स्ट इज लेफ्ट अनदर वन इज राइट। लेफ्ट क्लिक यानी जो लेफ्ट साइड में जो क्लिक है उसे लेफ्ट क्लिक कहा जाता है, राइट क्लिक यानी जो राइट साइड में क्लिक है। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे आपका एक कर्सर कुछ इस तरीके से आएगा। आपने राइट क्लिक करा तो आपका एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर लास्ट ऑप्शन होता है पर्सनलाइज का, यानी जहाँ पे आप पर्सनल चेंजेस कर सकते हो। जैसे ही आप पर्सनलाइज लास्ट ऑप्शन आएगा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलता है पर्सनलाइज का। सो आपका पर्सनलाइज ऑप्शन खुलता है, देन उसमें जैसे ही पर्सनलाइज का ऑप्शन खुलेगा इस तरीके से आपको पर्सनलाइज ऑप्शन खुलेगा, तो आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल होगी इस तरीके से पर्सनलाइज का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये ऑप्शन होगा फॉर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाके आप अपने मनपसंद की कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो एंड उस पर ओके क्लिक कर दो, तो आपका डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है यानी जो आपकी स्क्रीन पर जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज यहाँ पर आपको अगर आपका टास्क बार लॉक करना है, कभी कभी केसेस में क्या होता है जैसे ही आपने कर्सर ऊपर करा टास्क बार जो है वो नीचे चले जाता है, सो आपको टास्क बार लॉक करना है। सो आप यहाँ पे जाओगे, इस पॉइंट पे आपने ये एरो लगाया एंड यहाँ पे टास्क बार पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे देन आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक टास्क बार। सो आपका टास्क बार लॉक हो जाएगा, तो आपकी जगह से शिफ्ट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसमें आइकन्स को सेलेक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट आइकन्स। आइकन्स कहाँ है हमारे, ये आइकन्स है, ये हमारा कर्सर है। आप कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक से सिंगल क्लिक करोगे तो आइकन्स सेलेक्ट होंगे, अगर डबल क्लिक करोगे तो वो आइकन ओपन होगा। इफ यू सिंगल क्लिक होना आइकन इट गेट सेलेक्टेड, आपने सिंगल क्लिक करा तो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया। वहीं पे आप डबल क्लिक करोगे, डबल लेफ्ट क्लिक, तो ये आइकन ओपन होगा। ये आइकन में चाहे फोल्डर हो, फाइल्स हो, माय कंप्यूटर हो, कुछ भी आपका आइकन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज इसमें जैसे ही आपका आइकन ओपन होता है सो आपकी फाइल खुलेगी, आपकी फाइल जैसी खुलती है इस तरीके से, ये आपकी फॉर एग्जाम्पल एक फाइल खुलेगी। यहाँ पर तीन बटन होते हैं, इसमें तीन बटन होते हैं, पहला बटन होता है माइनस का, सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड इज क्रॉस। माइनस, बॉक्स एंड क्रॉस, तीन बटन होते हैं।
सबसे पहले जो माइनस का बटन है ये होता है फॉर मिनिमाइज, मिनिमाइज करना है। अगर आपने यहां पे ये माइनस का बटन दबाते हो यहां पे ये बॉक्स में माइनस बॉक्स एंड क्रॉस इस साइड टॉप राइट कॉर्नर पे आपने जैसे ये मिनिमाइज का बटन दबा दिया तो आपके यहां पे ये टास्क बार के अंदर मिनिमाइज हो जाता है। अभी जैसे आपने फिर नेक्स्ट होता है ये बॉक्स वाला बटन, इट इज कॉल्ड मैक्सिमाइज, जैसे ही आपने मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करा जो आपकी ये जो फाइल ओपन हुई है ये कंप्लीट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है मैक्सिमाइज। मिनिमाइज में क्या होता है आपका ये नीचे हाइड होगा एंड मैक्सिमाइज में आपका ये कंप्लीट स्क्रीन पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज क्रॉस, क्रॉस है इसका मतलब ये क्या करता है फाइल को क्लोज, अगर आपको ये फाइल क्लोज करनी है आप क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इसमें अभी जैसे आपके आइकन्स हैं यहाँ पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं आपको ये हाइड करने हैं तो आप हाइड कैसे करोगे? अगर आपको आइकन्स हाइड करने हैं सबसे पहले आप क्या करोगे राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू में जैसे आप क्लिक करोगे एक नेक्स्ट बार ओपन होगा जिसमें लिखा होगा हाइड डेस्कटॉप आइकन्स, सो आपके डेस्कटॉप आइकन्स हाइड हो जाएंगे। वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन अगर आपको वापस चाहिए यहाँ पे क्या तो हाइड डेस्कटॉप आइकन्स लिख के आएगा या फिर उस पर लिख के आएगा शो डेस्कटॉप आइकन्स एंड यहाँ पर एक टिक होगा, अगर टिक है इसका मतलब आपके डेस्कटॉप आइकन्स दिख रहे हैं, बट वहीं का ये टिक रिमूव कर दो यानी व्यू में जाके आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन व्यू यानी राइट क्लिक देन व्यू देन वहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन्स पे अगर टिक है अगर आप वहाँ पे वापस से क्लिक करते हो सो आपके डेस्कटॉप आइकन्स हाइड हो जाएंगे। सो ये तो थे आपके कंप्लीट डेस्कटॉप के ऊपर थोड़े बहुत वर्किंग्स। नेक्स्ट इसमें आता है कि आप राइट क्लिक कीजिए आपको एक ऑप्शन मिलता है गैजेट्स का, विंडोज 7 में एक ऑप्शन मिलता है आपको गैजेट्स का, राइट क्लिक एंड यहां पर एक ऑप्शन आएगा गैजेट्स। गैजेट्स में क्या होता है आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स हैं वो अवेलेबल होंगे, जैसे कि क्लॉक, विंडोज 7 में क्लॉक आप यहाँ पे शो जाएगी, क्लॉक, कैलेंडर, स्टिक नोट्स, सो क्लॉक, स्टिक नोट्स ये सब आपके हो गए गैजेट्स।